हमारा चैनल। वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना छोटी सी एक्टिविटी स्टार्ट कर रहे हैं। अपनी आंखें बंद करके ना अपनी फिंगर्स को अपनी बॉडी पे थोड़ा सा चलाइए और मतलब सच्ची में आंखें बंद करना और फिर बताना क्या फील होता है आपको। ड्राइनेस, रफनेस, टेक्सचर्ड स्किन नहीं होती वैसा फील हो रहा है या फिर बम्पीनेस भी और हल्के फुल्के जिट्स भी। तो देखो आपकी स्किन ना हर तरफ से ना आपसे अटेंशन मांग रही है जो कि आप दे नहीं रहे हो। अब देखो फेशियल स्किन को हम कितना पैम्पर करते हैं, जरूरत से ज़्यादा, बट हमारी ओवरऑल बॉडी का क्या, उसको भी ना टाइम टू टाइम पैम्परिंग सेशन की जरूरत होती है। अब उस केस में ना मैं आप साथ में ये वाला वीडियो लेके आई हूँ जिसमें हम प्रॉपर बॉडी पॉलिशिंग एट होम करेंगे। नाउ यहाँ पे एट होम से मेरा मतलब है यहाँ पे सारे के सारे DIYs होने वाले हैं, बिकॉज 5000 का प्रोडक्ट लेके मैं आपको वीडियो में दिखा दूँ तो इट डजंट मेक सेंस। मतलब बात ये है कि अगर आप पे हल्दी सूट कर रही है ना तो 5000 के प्रोडक्ट क्यों जरूरत ही नहीं है। वेल, यहाँ पे हल्दी के अलावा भी बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो कि इफेक्टिवली काम करेंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इस बॉडी पॉलिशिंग एट होम रूटीन में कितने स्टेप्स हैं और कितना टाइम लगता है, कितने अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं और कितनी देर में आप उसको कर पाते हैं। लेट्स कंटिन्यू। बॉडी पॉलिशिंग ना एक डिलीशियस तरीका होता है बॉडी को पैम्पर करने का। चलिए इस डिलीशियस रूटीन की शुरुआत करते हैं एक्सफोलिएटर से। और एक्सफोलिएटर में भी सबसे पहला स्टेप होने वाला है ड्राई हैंड ग्लव एक्सफोलिएटर, जिसका मैं यूज करने वाली हूँ। नाउ ये मैंने लिया था, आई डोंट रिमेम्बर, बट मैं इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी फॉर श्योर, कहीं से भी ढूंढ के। नाउ इसमें क्या होता है, एक्सफोलिएटिंग पार्टिकल्स होते हैं इसके क्लॉथ में जो कि आपकी स्किन को अच्छे से एक्सफोलिएट करने में हेल्प करते हैं। नाउ आप इसको वेट एंड ड्राई बोथ वेज यूज कर सकते हो, बट मैं इसको एज अ ड्राई एक्सफोलिएटर यूज करना ज्यादा पसंद करती हूँ। जब भी आपको शावर लेना हो, चाहे आप बॉडी वॉश रूटीन करो या ना करो, बट इसको सर्कुलर मोशन में हल्का सा घुमा दो अपने स्किन पे। नाउ यहाँ पे मैं इसको यूज करने वाली हूँ अपने नेक पे, बैक पे, अपने हैंड्स और लेग्स पे भी। जस्ट बी जेंटल वाइल यूजिंग इट। बॉडी पॉलिशिंग के जो फिजिकल बेनिफिट्स है ना, उनके अलावा भी इनके थेरेप्यूटिक एडवांटेजेस भी होती हैं। दिस मेक यू फील रिलैक्स, आपकी बॉडी को बहुत ज्यादा काम करता है, माइंड को रिफ्रेश भी करता है। नाउ लेट्स क्विकली जंप ऑन टू सम नेचुरल इन्ग्रीडियंट्स, हमारे नेक्स्ट स्टेप जो कि है प्रॉपर एक DIY बहुत ही फीलिंग वाला एक्सफोलिएटर। और इसके लिए हमको चाहिए होगा शुगर। नाउ हमको थोड़ा सा ना इसको क्रश करना है, उसके लिए आप इस तरीके के क्रशर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहले आपको शुगर को क्रश कर लेना है एज मेंशन, उसके बाद में आपको इसमें 2 से 3 पाउचेस कॉफी के ऐड करने हैं। नाउ कॉफी आप कोई सी भी ले सकते हैं, ब्रांड डजंट मैटर। अगर आपके पास में कोई ग्राउंडेड कॉफी है ना, वो भी आप यूज कर लीजिए, उसके तो अलग ही मजे होंगे, है ना। और लास्टली मैं इसमें ऐड करने वाली हूँ तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून अम्या का बॉडी टोनिंग एंड स्कल्प्टिंग वंडर ऑयल। सो दैट इज हाउ इट लुक्स लाइक। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है ना, आगे देखते हैं। इन तीनों को ना अच्छे से आपको मिक्स करना है। नाउ इसका अगर ASMR की बात करूँ ना, तो इट फील्स वेरी रफ, जो कि आपकी स्किन की रफनेस को दूर करने के लिए इज इनफ। आपको स्टार्ट करना है इसको मसाज करना अपनी बॉडी पे सर्कुलर मोशन में, क्योंकि हमने ऑलरेडी शुगर के पार्टिकल्स को क्रश करके बहुत ज्यादा सॉफ्ट कर दिया है और ऑयल के साथ में वो मेल्ट होके वो क्या फीलिंग देने वाला है ना आपकी बॉडी को, यू कांट इवन इमेजिन। चलिए थोड़ी सी डिटेल में बात कर लेते हैं नम्या की स्किन थेरेपी बॉडी टोनिंग एंड स्कल्प्टिंग वंडर ऑयल की। नाउ व्हाई वंडर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको अपनी बॉडी के किसी भी पार्ट पे यूज कर सकते हो विदाउट गिविंग इट अ सेकंड थॉट। सेकेंडली इसमें जो पावरफुल इंग्रेडिएंट्स है ना, दैट टू नेचुरल इंग्रेडिएंट्स, ये आपकी स्किन को ना बहुत ही अच्छे से स्मूथनेस प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं। नंबर 3, जो हमारी बॉडी पे स्ट्रेच मार्क्स का अपीयरेंस होता है ना, उसको भी काफी हद तक इम्प्रूव करता है। नाउ एक मिनट के लिए फॉरगेट अबाउट द स्ट्रेच मार्क्स, हमारी बॉडी पे कितने तरीके के मार्क्स होते हैं, तो इनकेस आपको कोई मार्क्स हैं, कुछ डार्क स्पॉट्स हैं, उसको भी रिमूव करेगा, फेड करेगा और आपको एक इवन टोन स्किन देने में हेल्प करेगा। जो हमने DIY स्क्रब बनाया है ना, इसको आपको अपने हैंड्स पे, लेग्स पे, बैक पे, स्पेशली डार्क नेक जो होता है ना हमारा एरिया, वहाँ पे यूज करना है। एंड वंस यू आर डन स्क्रबिंग योर एंटायर बॉडी, आपको इसको वॉश ऑफ कर लेना है और आप देखोगे आपकी स्किन में जो ऑटोमेटिकली एक शाइन सी ऐड हो जाती है ना, इंस्टेंट शाइन प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को और बहुत ज़्यादा ग्लोइंग बनती है स्पेशली आफ्टर यूजिंग दिस स्क्रब। चलिए जल्दी से हमारे पैक में थोड़े से नानी और दादी की साइड के भी नुस्खे हो जाएं। यहाँ पे हम यूज़ करने वाले हैं ऑल नेचुरल इंग्रेडिएंट्स। सबसे पहले आपको इंग्रेडिएंट्स में लेना है 2 से 2.5 टेबलस्पून बेसन, यानी कि ग्राम फ्लावर। नाउ इनकेस आपको बेसन सूट नहीं करता है ना, तो आप इसको रिप्लेस कर सकते हैं व्हीट फ्लावर के साथ में, या फिर आप इसको ग्राउंडेड ओट्स के साथ में भी रिप्लेस कर सकते हैं। उसके बाद में इसमें जाएगा 1/4 टेबलस्पून हल्दी। हम इसमें ऐड करने वाले हैं वंडर ऑयल, बिकॉज व्हाई नॉट, मैंने आपको बताया है इसके बेनिफिट्स ऑलरेडी इतने सारे हैं, तो मैं इसको यूज़ करने वाली हूँ तकरीबन 1 से 1.5 टेबलस्पून। और इसमें इनफ मिल्क ऐड करूँगी टू गेट दैट पैक वाली स्मूथ कंसिस्टेंसी, और बस बहुत ही अच्छे से मिक्स करना स्टार्ट करना है आपको। एंड वंस यू गेट दैट लंप फ्री मास्क ना, स्पेशली इस तरीके के मास्क में ना मुझे बिल्कुल लंप पसंद नहीं है, जब जहाँ पे ना बॉल्स होती हैं, जो ड्राई बेसन की बॉल्स होती हैं वो फूटते हैं आपके स्किन पर, आई रियली डोंट लाइक दैट। मुझे बिल्कुल स्मूद, बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर चाहिए होता है, तो मैं बहुत ही अच्छे से मिक्स करने वाली हूँ इसको। एंड देन यू हैव टू स्टार्ट अप्लाइंग दिस ऑन योर लेग्स। यहाँ पे इसको लगाने वाली जो फीलिंग थी ना, दैट आई कैन नॉट एक्सप्लेन, मतलब यू कैन सी इट बाय योरसेल्फ, कितना स्मूद है, बहुत ही अच्छे
से स्प्रेड हो रहा है बिकॉज ऑफ दैट ऑयल जो कि हमने इसमें मिक्स किया है. आपको उसको यूज करना है अपने हाथों पे, नेक पे, बैक पे, और उसको सूखने देना है आपको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक. आफ्टर दैट इसको वॉश करना है. वॉश करने का भी तरीका डिफरेंट है. पानी को हल्का हल्का लीजिए और सर्कुलर मोशन में इसको स्क्रब करते हुए निकालिए. आप देखोगे आपकी स्किन जहां जहां से मास्क निकल रहा है ना, आपकी स्किन ऑलरेडी इम्प्रूव आपको दिखेगी, बहुत ज्यादा ग्लोइंग दिखेगी, हेल्दियर स्किन आपको फील करने का मौका मिलेगा. इस रूटीन को फॉलो करने का बेस्ट टाइम है जस्ट शावर से पहले. तो वंस यू आर डन वॉशिंग योर बॉडी ना, उसके बाद में आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज करनी है, वो है टू मॉइस्चराइज योर स्किन. यहाँ पे आप यूज कर सकते हैं अपना फेवरेट बॉडी मिल्क, बॉडी बटर, बॉडी स्प्रे, कुछ भी विच इज लाइक यू नो वेरी थिक इन टेक्सचर, और उसको आपको रब करना है अपनी बॉडी पे. एंड आफ्टर दिस रूटीन ना यू आर लेफ्ट विद सॉफ्ट सपल स्किन, जो कि आपको महंगे महंगे ट्रीटमेंट्स कराने के बाद में, सैलून से बाहर निकलने के बाद में भी नहीं मिलती है, बिकॉज दैट इज टेम्परेली. यहाँ पे आप वीकली बेसिस पे ये रूटीन फॉलो करोगे ना तो इसकी फील ही अलग है. Just follow this once a week and that's it. In case you want to try this Namya Body Sculpting Wonder Oil na, iska link main aapko niche description box mein de dungi. This will take care of your body, jo bhi uski requirements hai. इस बहुत ही सुलझे हुए बॉडी पॉलिशिंग रूटीन को जरूर ट्राई करना अपने घर पे, और आपका एक्सपीरियंस जरूर शेयर करना, बिकॉज यहाँ पे जो भी सारे प्रोडक्ट्स हैं ना वो आपको इजीली आपके किचन में मिल जाएंगे. ऐसा नहीं है कि कुछ एक इंग्रेडिएंट्स को देख के ही सर दुखने लग जाता है कि यार अब इसको लाइक परफॉर्म करने के लिए भी पहले हमको मार्केट जाना पड़ेगा सो दैट वी हैव द इंग्रेडिएंट्स एट होम. ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सारी चीजें आपको घर पे मिल जाएंगी. और हाँ, नम्या का जो बॉडी टोनिंग वंडर ऑयल है इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, सो आप चेक कर सकते हैं. इट नॉट ओनली वर्क्स ऑन योर स्ट्रेच मार्क्स, बल्कि ये एक ओवरऑल एक ब्लेंड है बहुत ही अच्छे खासे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का, जो कि ओवरऑल आपकी बॉडी के अपेयरेंस को बहुत ज्यादा बेहतर करने में हेल्प करते हैं. स्ट्रेच मार्क्स पे तो इफेक्टिवली काम करता ही है, बल्कि स्किन को प्लम्प रखने में भी हेल्प करेगा. और हाँ, जो भी सारे आपके रिक्वेस्ट होंगे वो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं वन बाय वन उनको पूरा करने की कोशिश करूंगी. तो बस थोड़ा सा टाइम अलाउ करिएगा. होपफुली वाला वीडियो आपने लाइक कर दिया होगा, बिकॉज हेल्पफुल तो रहा ही था. शेयर भी कर देना अपने फ्रेंड्स के साथ में और फैमिली के साथ में भी, कोई मना ही नहीं है. एंड मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्दी एक बेहतरीन वीडियो के साथ. तब तक के लिए क्या, खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, अफोर्डेबल और सुलझा हुआ बॉडी पॉलिशिंग रूटीन घर पर परफॉर्म करिए, रिजल्ट मेरे साथ शेयर करिए, और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच. बाय.